पहलगाम कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने स्वर्ग देखा है तो पहलगाम घूमने के बाद आप जरूर उनको बोलेंगे कि हाँ आपने स्वर्ग देखा है। बहुत ही प्यारी जगह है पहलगाम। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे सारे टूरिस्ट प्लेसेस पहलगाम के डिटेल्ड में। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पहलगाम की ब्यूटी को। हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल, और आज हम आ गए हैं कश्मीर की सबसे ब्यूटीफुल जगह पहलगाम में। और इस व्लॉग में डिटेल्ड में मैं कवर करने वाला हूँ पहलगाम के टूरिस्ट प्लेसेस को। सो पहलगाम जाते हुए रास्ते में रुके थे हम, और अभी हमारे जो ड्राइवर साहब हैं हिलाल भाई, उन्होंने बताया कि यहाँ पे केसर की खेती हो रही है। सो अभी हम लोग देखने के लिए रुके थे। वैसे तो ये जो हमारे एरिया में दुभी जो होती है घास, उस तरीके की दिखती है, बट अंदर से अगर हमने निकाला है तो जड़ इस तरीके की है। तो ये अप्रैल में ये बता रहे हैं कि ये केसर बन जाता है, तो अभी नहीं दिख रहा है बट ये केसर की खेती ऐसी दिखती है। सो ये भी मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको। सो ये है, ये है केसर का पौधा। यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे कहाँ पे? इस साइड, राइट साइड। यहाँ पे हुआ था पुलवामा, पुलवामा अटैक। ये रोड पे, राइट साइड पे, रोड पे ही तो हुआ था, रोड पे ही हुआ था, रोड पे तो वो आगे बोर्ड लगा हुआ है। सो पहलगाम जाते समय बीच में ये एक जगह पड़ती है जहाँ पे बहुत सारे केसर के शॉप्स मिलेंगे। यहाँ पे जब भी आप गाड़ी से आएंगे तो गाड़ी यहाँ पे जरूर रुकेगी। तो अगर आपको ऑथेंटिक केसर या ड्राई फ्रूट्स खरीदना है तो इन सब दुकानों में से किसी भी दुकानों पे, जो भी ऑथेंटिक हो, वहाँ जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी फैमिली भी रुकी हुई है और सब लोग गए हैं अभी केसर खरीदने के लिए। और जैसा मेरे को अभी जो हमारे ड्राइवर हैं हिलाल भाई, उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऑथेंटिक केसर मिलता है, तो यहाँ पे आके आप परचेज कर सकते हैं। क्योंकि इतनी दूर आए हो तो यहाँ से केसर ले जाना तो बनता है, क्योंकि अभी मैंने दिखाया भी है कि यहाँ केसर की खेती भी यहीं पे होती है, यहीं पे होती है, तो केसर भी ऑथेंटिक यहीं पे मिलता है। तो चलते हैं शॉप्स में, विजिट करते हैं अंदर अभी। यहाँ पे आप मैक्सिमम जो भी देखोगे आप, यहाँ पे मतलब कोई जिम वाले भी सुनता है, कोई सप्लीमेंट के तौर पे लिया जाता है। लो लो, तुम भी लो लो। ये पर किलो मिलेगा। मम्मी जी इधर ले लीजिए। अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मेरी रिसेंट जो ट्रिप थी वो कश्मीर की थी, तो बहुत सारे और भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, चाहे वो गुलमर्ग के ऊपर हो, चाहे स्टे ऑप्शंस आपको कहाँ कहाँ पे किस तरीके के मिलते हैं गुलमर्ग में, श्रीनगर में, पहलगाम में, बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे ट्रैवल कंटेंट, जिससे आप अपनी ट्रैवल को और भी इजी बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं पहलगाम की ब्यूटी को। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप जा रहे होंगे पहलगाम श्रीनगर से तो आपको रास्ते में बहुत सारे ऑथेंटिक बैट के शॉप मिलेंगे। तो आप भी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के शौकीन हैं, तो यहां से आप बैट परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्रीज होंगी जो बैट बनाती हैं यहां पे। सो पहलगाम अभी यहां से 15-20 मिनट के रास्ते पे है, और बीच में हम रुके हैं एप्पल जूस के लिए। और पीछे आप देख रहे हो ये एप्पल ट्रीज हैं, लेकिन जो एप्पल आपको दिख रहा है ये एक्चुअल नहीं, क्योंकि सीजन नहीं है अभी, बट इन्होंने बस वहाँ पे समझ लो आप टांग दिया होगा ताकि लोगों को अट्रैक्टिव लगे और लोग रुके यहाँ पे। बट जो ट्री है वो एक्चुअल है एप्पल का। सो अभी अगर अब इस टाइम पे अगर आप आ रहे हो पहलगाम, तो यहाँ रुक के आप एप्पल जूस वगैरह ट्राई कर सकते हैं और एक बार एप्पल ट्री देख सकते हैं पास से जाके। तो चलते हैं हम लोग भी अंदर और एक्सप्लोर करते हैं एप्पल ट्रीज को। क्या देख रही हो? सो अगर आप यहाँ पे आओगे घूमने के लिए तो ये देखो इस तरीके से इन्होंने पीजन को रखा हुआ है, जिसमें आप फोटोज खिंचवा सकते हो, वीडियो बना सकते हो। से हाय बाबू। सो ये है पहलगाम का टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड, जहाँ पे गाड़ी आपकी लग जाएगी, और यहाँ के बाद यहाँ से आपको यहाँ की लोकल टैक्सी जो है, जो यूनियन की टैक्सी है, वो लेके आप जाएंगे एबीसी के लिए। सो यहाँ पे बार्गेन बिल्कुल नहीं होता, जिस टाइप की व्हीकल्स आप लेते हैं उसके हिसाब से रेट यहाँ पे फिक्स है, और अलग अलग डेस्टिनेशन के रेट यहाँ पे लिखे हुए हैं। जनरली जब आप आते हैं जो फेमस प्लेसेस यहाँ के हैं, एबीसी, आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी, इसके लिए जब अभी इनोवा करेंगे तो देख सकते हो आप 2700 रुपये लगेगा आपको।
जाइलो करेंगे 2500 लगेगा, तो इसी तरीके से 3000 में क्रिस्टा मिल जाएगा आपको। हमने इनोवा बुक करी है, तो अभी हम इनोवा बुक करेंगे, ये ड्राइवर असाइन करेंगे और उसको गाड़ी, उस गाड़ी को लेके फिर हम ABC घूमने जाएंगे। सो अभी ये देख रहे हो पहलगाम का मेन रोड है ये, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे हम शाम को घूमने भी आएंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा क्लिप्स। तो अभी सबसे पहले जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं आरू वैली के लिए, और आरू वैली के बाद हम जाएंगे बेताब वैली, और उसके बाद हम जाएंगे चंदनवाड़ी। तो ये है आरू वैली का रास्ता, तो कुछ देर में हम आरू वैली पहुँचने वाले हैं। सो यहाँ हम आ गए हैं आरू वैली में। तो जनरली आरू वैली में स्नो होता है जब स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रखी हो, बट अभी ये स्नो नहीं हुई है। जब हम आए थे जैन में तो उस समय नहीं हुई थी। अभी थोड़ी हमें भूख लगी है, तो थोड़ा हम अभी यहाँ पे झालमुरी खा लेते हैं। सो ये आप देख रहे हैं, इसका जो ये जो होटल अल्पाइन है, इसके बहुत सारे वीडियोज आपको बहुत सारे मूवीज़ के अंदर आपको दिख जाएंगे। एक मूवी थी कर्मा मूवी के अंदर, ये जो होटल है इसमें पूरा ग्लिम्स जो है वो फिल्माया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको व्यू अच्छा मिलेगा, कुछ फोटोज़ वीडियोज़ आप क्लिक करा सकते हो, बट स्नो होता है तो उस समय और इसकी ब्यूटी इन्हेंस हो जाती है। इस सीजन में अगर आप आ रहे हो ABC के लिए, तो आरू वैली में देखा ऊपर आपने कुछ नहीं है, बट हाँ आरू वैली में जब स्टार्ट ही होता है थोड़ा सा, तो यहाँ नीचे में थोड़ा बहुत स्नो है जहाँ पे लोग रुक के फोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। तो यहाँ पे स्नो तो बहुत कम ही देखने को मिलेगा अगर आरू वैली की मैं बात करूँ तो। सो अभी हम आ गए हैं चंदनवाड़ी के लिए, और ये चंदनवाड़ी का टैक्सी स्टैंड है। यहाँ पे गाड़ी लगा के थोड़ा सा पैदल चल के हम आगे जाएंगे, जहाँ पे हम स्नो एक्सपीरियंस कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्नो अभी मुझे दिख रहा है। तो चलते हैं एक्सपीरियंस करते हैं चंदनवाड़ी को। सो अभी हम आ गए हैं चंदनवाड़ी, और आप देख सकते हो स्नो थोड़ी बहुत यहाँ पर है, बहुत कम है स्नो। सो अगर आप पहलगाम विजिट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको स्नो उतनी ज़्यादा मिलेगी नहीं, क्योंकि आरू वैली में भी देखा था आपने वहाँ स्नो नहीं है। यहाँ पे स्नो थोड़ा बहुत है, अगर आप चल के उधर जाओगे तो स्नो एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जैसा आपको पता ही है कि अमरनाथ यात्रा भी यहीं से स्टार्ट होती है। चलो थोड़ा कुछ तूफानी करते हैं, वैसे तो बहुत स्लिपी है, मुझे डर लग रहा है, बट यहाँ से फ्रेश स्नो का वाटर जो है वो आ रहा है, तो मुझे वो पीने का मन कर रहा है। तो चलते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं थोड़ा सा बच के। बट ऐसी जगहों पे कभी भी आप आओ तो थोड़ा सा सेफ्टी का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है ये जो स्नो वाला एरिया होता है। और वैसे स्नो वाला एरिया जहाँ पे बर्फ जो है जम चुकी है बिल्कुल, और ब्लैक आइस हो चुकी है। सो चंदनवाड़ी घूमने के बाद अभी शाम होने वाली है, और हम आ गए हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन, जो आज का हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है पहलगाम का, वो है बेताब वैली, क्योंकि ABC के लिए हमने गाड़ी बुक करी थी। तो अभी हम चलते हैं बेताब वैली के अंदर। बेताब वैली बहुत ही सुंदर है। बेताब वैली यहाँ पे जो मूवी है बेताब वो बनी थी, उसके बाद से इसका नाम बेताब वैली पड़ गया। यहाँ पे टिकट का कुछ एंट्री फ़ी भी है नॉमिनल सा, 50 रुपीज़ का, तो वो आप परचेज करके अंदर एंटर करेंगे। स्नो अभी कम है, बट स्नो के टाइम पे जब आएंगे, जब बहुत ज़्यादा स्नो होती है, तो ये सारी जगह जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, और ज़्यादा इसकी ब्यूटी इन्हेंस हो जाती है। सो ये कुछ स्पॉट्स हैं बेताब वैली के जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, और जब स्नो पड़ी होती है ये जो आपको थोड़ी नदी सी दिख रही है उसके अंदर इन सब जगहों पे, तो इसकी ब्यूटी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। बट आपको ये जो कंटेंट है इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा किस तरीके से आप पूरा अपना टूर जो है प्लान कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन से चार्जेज हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
तो इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट मेरे चैनल पे आते रहते हैं। सो आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा बेताब वैली सुंदर है। अभी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं इसके अलावा जो लोगों को नहीं पता, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पहलगाम में। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। पहलगाम के अंदर हमने जो अपनी बुकिंग करी थी होटल स्पैरो में करी थी, और इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मैं डालने वाला हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जब वीडियो डालूं मैं तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सो अभी हम आए हुए हैं पहलगाम के मेन रोड पे, और खाने की दिक्कत यहाँ पर आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे मेरे सागर रत्ना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दाना पानी है, पीछे बरिस्टा है। तो अगर आप पहलगाम आए हुए हैं तो यहाँ मेन रोड पर अगर आते हैं तो अगर इंडिया के किसी भी कोने से आप हैं तो हर तरीके की फूड की वैरायटी आपको मिल जाएगी। सो अभी जो है हम अपना लंच जो है पहलगाम में वो करने वाले हैं सागर रत्ना के अंदर। तो जा रहे हैं हम अंदर अपना लंच करने के लिए। एबीसी घूमने के बाद, पहलगाम का मेन रोड घूमने के बाद, हम आ गए हैं यहाँ के ब्यूटीफुल पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए। एक दो पार्क में हम चलेंगे, उसके बाद बैसरन वैली भी हम जाएंगे, वो सारी चीजें आपको भी देखने को मिलेगी। ये है यहाँ का क्लब पार्क। सो अभी हम आए हैं पहलगाम के क्लब पार्क के अंदर, और जो यहाँ का कुछ व्यू है वो ओके ओके सा कह सकते हैं, लेकिन हाँ डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। कई बार मौसम अगर अच्छा होगा तो व्यू आपको बहुत अच्छा भी लग सकता है। और जो चार्जेज हमने पे किए वो 24 रुपीज पर पर्सन पे किए हैं। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ठंडी, कुछ इस तरीके का व्यू आपको इस पार्क के अंदर मिलेगा। और आगे में जैसा बता रहे हैं कि रिवर का एक्सेस भी है। तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं इस पार्क को। सो पहलगाम के जब क्लब पार्क में आएंगे तो पीछे क्लब है जिसमें एंट्री नहीं मिलती है, पार्क बस घूम सकते हो आप। सो फोटोज क्लिक कराने के लिए, रील्स के लिए, वीडियो बनाने के लिए ये पार्क सही है, आप आ सकते हैं यहाँ पे। और ज़्यादा कोई चार्ज भी नहीं ले रहे हैं ये लोग, और डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आप पहलगाम में है, बैसरन भी आपको जाना है, एबीसी भी करना है, और वन नाइट के लिए है, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आप ना कर पाए। बट हमारा जो स्टे है पहलगाम में 2 नाइट्स के लिए है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इतना एज था कि हम कर पाएँ। तो इसीलिए एक दो जो यहाँ के अच्छे पार्क्स हैं वो भी हम एक्सप्लोर करने के लिए आ गए थे। सो फोटोजेनिक है ये जगह, रील्स वगैरह बना सकते हो, वीडियोज बना सकते हो, अपना कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो क्लब पार्क में जब हम बैक साइड में आए हैं तो यहाँ रिवर बह रही है, बट ऐसा कोई रास्ता हमें नहीं दिख रहा है कि इस रिवर पे हम जा पाए। सो दोस्तों, अगर बैसरन वैली अगर आप जाना चाह रहे हैं तो टैक्सी स्टैंड से भी घोड़ा ले सकते हैं, वरना पहलगाम में कहीं भी आपको लोकल यहां के जो है वो घोड़ा ऑफर करेंगे, और कहीं से भी आप कर सकते हैं घोड़ा। तो अभी जो हमने जो घोड़ा किया है वो 1000 में किया है, और वैसे ये लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको, तो आप अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। सो चलते हैं एक बार बात भी कर लेते हैं इनसे। तो अभी आप बैसरन घुमाएंगे पूरा वैली, बैसरन वैली। और कितना आपने लिया है ये घोड़े का, कितना लिया है ये घोड़े का? इसको साथ हमने कुशी ने घोड़े का खाना लिया, हजार हजार रुपए, हजार हजार रुपए, जिन्होंने बहुत कम रेट लिया है। वैसे जनरली यहाँ पे कुछ भी आपको बोलेंगे तो बार्गेन आप कर सकते हैं। इनको दिल खुश करेगा पैसा, तो रेट तो बढ़िया है कि आप बोल रहे थे बार बार, तो हम सोचे कि चलो चलता है। सो बैसरन वैली जब ऊपर टॉप पे आप पहुंचेंगे तो अगर स्नो होता है तो उस समय बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, बट स्नो नहीं हो तो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अगर स्नो नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ऑसम व्यू ऊपर नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, स्नो है तो बहुत ज़्यादा ऑसम व्यू आपको ऊपर में मिलेगा। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो आप कर सकते हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो अभी हम आए हैं लीडर व्यू
पार्क देखने के लिए, और जो लीडर रिवर है यहाँ पे उसी के नाम पे ये पार्क है, और जो रिवर का व्यू है वो पार्क के साइड से मिलेगा। तो कुछ यहाँ पे जो पहलगाम अगर आप आओगे तो कुछ ब्यूटीफुल पार्क आपको मिलेंगे, जैसे एक मैंने अभी दिखाया था क्लब पहलगाम पार्क, उसी तरीके से। सलाम अलैकुम भाईजान। सो अभी आपका गुड नेम, शुभ नाम, गुड नेम आपका, नेम, नाम, नाम, गुलाम रसूल। गुलाम रसूल जी हैं, तो आप टेक केयर करते हैं इस पार्क का, टेक केयर आप करते हो यहाँ का? अच्छा, तो टेक केयर ये करते हैं लीडर व्यू पार्क का। सो चलते हैं अभी एक्सप्लोर कराता हूँ मैं, बहुत अच्छा व्यू है। तो अगर पिकनिक विकनिक मनाने का आपका मन है और आपके पास टाइम है, पहलगाम में आप आए हुए हैं, तो इस पार्क में आके आप पिकनिक भी मना सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको क्लब पार्क दिखाया, और एक ही सो लीडर व्यू पार्क में वहाँ से आप नीचे आ भी सकते हो, और नीचे नदी, अभी पानी तो बहुत कम है यहाँ पे, सो नदी का मज़ा आप नीचे आके भी ले सकते हैं। सो परफेक्ट प्लेस है अगर आप पिकनिक मनाना चाहते हैं तो, पहलगाम में अगर हैं और रिवर साइड अगर पिकनिक मनाना चाहते हैं तो ये जो लीडर व्यू पार्क है वो परफेक्ट है, क्योंकि लीडर रिवर के जस्ट बैक साइड में है। सो अभी हम आए हैं पहलगाम के नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे विजिट करने के लिए, जिसका नाम है ममलेश्वर टेम्पल। गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, ये हमारे भाई साहब हिलाल भाई, अब कश्मीरी शॉल सूट बेच रहे हैं भाईजान यहाँ पे, और महामलेश्वर टेम्पल पे। तो अगर यहाँ आप आ रहे हो तो भाईजान से आप परचेज कर सकते हैं। तुम लोग क्या कर रही हो, ठंड लग रहा है क्या? भैया इन लोगों को ठंड लग रहा है, हम टेम्पल अभी घूमेंगे, पहले थोड़ा सा हम हाथ सेक लेते हैं। सो जब आप ममलेश्वर टेम्पल विजिट करने आएंगे तो श्री महादेव का मंदिर है यहाँ पे, और महादेव की प्रतिमा शिवलिंग जो है वो अंदर आपको दिख जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप अपना मत्था टेक सकते हैं। तो पहलगाम में ज़्यादा टेम्पल्स नहीं हैं, यही एक टेम्पल है जो बहुत फेमस है, ममलेश्वर टेम्पल, जहाँ पे जैसे मैंने दिखाया कि महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है, तो बहुत पुराना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप पहलगाम आ रहे हैं तो एक बार यहाँ पे आके आपको मत्था जरूर टेकना चाहिए। और यहाँ से देख रहे हो पोनी राइड भी जा रही है। सो हमने दर्शन कर लिया है ममलेश्वर महादेव का। सो ममलेश्वर टेम्पल जो है वो कितना पुराना है इकबाल भाई? 11,000 साल पुराना ये टेम्पल है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं पहलगाम में तो बहुत पुराना महादेव का शिवलिंग है यहाँ पे, और टेम्पल भी 11,000 साल पुराना है, तो आके जरूर एक बार आप विजिट करिएगा यहाँ पे। सो अभी हम लोग हैं पहलगाम के मेन रोड पे, और थोड़ा सा तफरी करने के लिए हम लोग निकले थे हम दोनों, और देख रहो सामने से हमने लिए गर्मा गर्म चाय, और ये जो शॉप है पूनम रेस्टोरेंट, ये सब लोग जो हैं यूपी के हैं, तो टेस्ट अगर समोसा वगैरह भी यहाँ से लोगे तो मिलता जुलता हमारे साइड का। सो ये था हमारा डिटेल्ड व्लॉग पहलगाम के ऊपर, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पहलगाम से रिलेटेड सारी जानकारी इस व्लॉग में आपको मिली होगी। तो अगर आप भी अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं कश्मीर का, या आपके फ्रेंड्स हैं रिलेटिव कोई कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना। और कुछ भी अगर आपको पूछना है कश्मीर ट्रिप से रिलेटेड तो वीडियो में जस्ट आप कमेंट करिए, आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो है मेरे चैनल पे आते रहते हैं, तो अगर मेरी वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें। बहुत जल्द मिलता हूं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बाय, टेक केयर।